हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी की डिमांड पर स्पेशल टॉपिक लेके आया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, सूचरिंग, सूचर टाइप्स, सूचर मटेरियल, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको किस तरीके से आंसर देना है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। आप सभी लोग इसके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके मैं आंसर भी आपसे पूछूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज अ सूचर। एग्जैक्टली हम देखें सूचर का मीनिंग क्या होता है। देख लिया द एनी मटेरियल यूज टू लाइक इट। देख लिया लाइक इट का मतलब होता है बांधना, यूज टू लाइक इट ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स, टिश्यू, इन सबको लाइकेट करने के लिए या बांधने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड सूचर। तो सिंपल वर्ड, द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू लाइकेट ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड सूचर। दैट इज द मीनिंग ऑफ सूचर। हम पढ़ेंगे सूचर मटेरियल क्या होता है, सूचर के टाइप क्या होते हैं, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ सूचर। दैट्स गेटिंग एवरीवन। इसके बाद यदि हम बात करें टाइप ऑफ सूचर, मेनली सूचर डज हैव टू टाइप्स, दो तरह की सूचरिंग होती है। एक मैंने पुट किया कंटीन्यूअस सूचर, एक मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी इंटरप्टेड सूचर। कंटीन्यूअस सूचर का मतलब द टाइट ओनली, टाइट का मतलब बांधना, द टाइट ओनली एट बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रन। देखिए क्लियर, ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है। स्किन में आप सभी को बता, आप लेयर जब पढ़ते हैं तो बाहर वाले लेयर को अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, डर्मिस। क्या बोलते हैं, डर्मिस। मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि हम बात करें कंटीन्यूअस सूचर, एक तो कंटीन्यूअस सूचर की प्रेफरेबल जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, डर्मिस। दूसरा, कंटीन्यूअस सूचर जो है कॉमनली यदि हम देखा जाए, कॉमनली कहां यूज करेंगे, फेस पे, नेक पे, फेस पे, नेक पे, वो बॉडी का जो विजिबल पार्ट होता है वहां पर कॉमनली प्रेफर करते हैं कंटीन्यूअस। दूसरी बात, कंटीन्यूअस सूचरिंग यदि आप किसी पेशेंट को यूज करते हैं तो स्कार के चांसेस बहुत कम रहते हैं, सो वेरी लिटिल चांस टू डेवलप स्कार। आपका स्किन जैसे पहले था सेम उसी एनाटॉमिकल पोजिशन में फिर से दिखने लगता है। अब आपको क्या करना होगा, यहां से आपने डर्मिस लेयर में निडल को इंसर्ट किया तो यहां एक क्या लगाया, नोड लगाया, यहां इंसर्ट करने पर एक नोड लगाया। उसके बाद आपने सूचरिंग किया, सूचरिंग काम करा अंदर वाली लेयर में, और सूचरिंग करने के बाद में जो एंड होगा, एंड पे फिर आपने क्या लगाया, यहां पर फिर आपने क्या लगाया, नोड लगाया। दैट मींस बिगनिंग पे एक नोड लग रहा है, एंड पे एक नोड लग रहा है। जैसे हम बिगनिंग से एंड पे पहुंचेंगे तो सूचर जो होगा उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्किन कम्स टू गेट टू नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, और फिर वहां पर क्या देंगे, नोड। इस तरीके के सूचरिंग को हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस टाइप ऑफ सूचर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिगनिंग पे एक नोड है, एंड पे एक नोड है, और हम सूचरिंग जो कर रहे हैं वो डर्मिस लेयर में कर रहे हैं, एपिडर्मिस कम्स टुगेदर टू रीहील। तो दैट इज अ फर्स्ट टाइप, जिसको मैंने बताया था कंटीन्यूअस सूचर। दूसरे टाइप की हम बात करें जिसको इंटरप्टेड सूचर बोला है। इंटरप्टेड का मतलब होता है डियर, एक के बाद दूसरा, इंटरवल्स। जैसे ये आपका स्किन का लेयर, अगेन दिस इज योर स्किन, दिस इज योर स्किन। अब यहां पर ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी डर्मिस है। इंटरप्टेड सूचर में क्या करेंगे, हर सूचर के बाद नोड लगाएंगे। जैसे यहां से आपने नीडल को इंसर्ट किया एपिडर्मिस से, इंसर्ट करने के बाद आपने सूचरिंग किया, सूचरिंग करने के बाद जैसे वापस कंप्लीट एक सूचर होगा वहां पर नोड लगेगा, फिर दूसरे सूचर पे नोड लगेगा, फिर तीसरे सूचर पे नोड लगेगा, चौथे सूचर पे नोड लगेगा। मतलब इंटरप्टेड का मतलब एक सूचर कंप्लीट, फिर गैप, फिर दूसरा, फिर गैप, फिर तीसरा। और ये जो हम पुट करें इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व है, एपिडर्मिस। तो इस तरीके की सूचरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड सूचर। क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड। तो मेनली टू टाइप्स का सूचरिंग होता है, एक कंटीन्यूअस होता है, दूसरा इंटरप्टेड होता है। मैं फर्दर इसके टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट मेनली टू टाइप,
कंटीन्यूअस में बिगनिंग पे एक नोट, एंड पे दूसरी नोट। इंटरप्टेड में एवरी सूत्र विल बी नोटेड, ईच सूत्र टाइड एंड नोटेड सेपरेटली। हर सूत्र को सेपरेटली नोट करना है, सेपरेटली टाई करना है। दैट इज एग्जांपल ऑफ इंटरप्टेड सूत्र। ओके फाइन। उसके बाद फर्दर यदि देखें, कंटीन्यूअस के फर्दर कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, इंटरप्टेड के फर्दर कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देखिए ये कंटीन्यूअस भी फर्दर टू टाइप्स का होता है, इंटरप्टेड भी फर्दर टू टाइप्स का होता है। यदि हम कंटीन्यूअस की बात करें, मैंने खुद किया प्लेन कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में भी प्लेन कंटीन्यूअस। सॉरी, सपोज ये आपका स्किन की लेयर है, यहां से आपने कोट लगाया और स्टार्ट किया लाइक दैट, दैट काइंड ऑफ स्विचिंग, और यहां पे दूसरा नोड लगाया, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्लेन कंटीन्यूअस। मतलब इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वही की हम बात करें मैट्रिक्स कंटिन्यू, थोड़ा डिफरेंस है, ये भी कंटिन्यू बट दैट डिफरेंस इज मैट्रिक्स कंटिन्यू। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी स्किन है, यहां से हमने सूत्र को स्टार्ट किया लाइक दैट, यहां पर इस तरीके से मैट्रिक्स लुक्स लाइक ए मैट्रिक्स, दैट इज अ मैट्रिक्स कंटिन्यू सूत्र। यहां हमने देखिए तरीका अलग है, यहां पर ट्राइंगल फॉर्म में चल रहा है या मैट्रिक्स फॉर्म, यू नो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आकार का, यहां से एक रूट लगाया फिर अंदर लिया लाइक दैट, एक मैट्रिक्स बन रहा है। इस तरीके की सूची को हम क्या बोलते हैं, मैटर या मैट्रिक्स कंटिन्यू सूची। यहां पर भी एक नोड स्टार्टिंग में है, दूसरी नोड एंड में, स्केल में भी एक नोड स्टार्ट में है, दूसरी नोड क्या है एंड में। तो दैट इज अ फर्दर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सूचक। हम इसी तरीके से इंटरप्टेड की भी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, बट दैट इज एग्जांपल ऑफ फर्दर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सूचक। यदि मैं यही आपको बताना चाहूं, सेकंड टाइप जो आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल इंटरप्टेड सूचक जो आपने पढ़ा, इंटरप्टेड सूचक जो आपने पढ़ा, ये भी फर्दर टू टाइप्स का होता है, जैसे सिंपल जैसे प्लेन और दूसरा लिखा मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं है। यहां पर आप देखेंगे इंटरप्टेड में ये आपका स्किन है, यहां से आपने सूचक लिया लाइक दैट, लाइक दैट। हर सूचक के बाद में नोट है, हर सूचक कंप्लीट होने के बाद में नोट है। ये जो गैप दिख रहा है, इंटरवल दिख रहा है, दैट इज एग्जांपल प्लेन इंटरप्टेड, प्लेन इंटरप्टेड। मतलब हर सूचक के बाद में जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं गैप दिया हुआ है। वही यदि मैं बात करूं मैटर्स इंटरप्टेड, थोड़ा डिफरेंस है, ये आपका स्किन है, यहां से सूचक लिया लाइक दैट, यहां क्या कर दिया नोट कर दिया, फिर लिया फिर लिया फिर लाइक दैट। मतलब ये जो मैट्रिक्स बन रहे हैं सेपरेट, फर्क इतना ही, कंटीन्यूअस मैट्रिक्स भी कनेक्टेड था, तो दैट काइंड ऑफ सूचरिंग, दैट काइंड ऑफ सूचरिंग मैट्रिक्स इंटरप्टेड। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इंटरप्टेड। तो मेनली टू टाइप्स का है, पहला है कंटीन्यूअस, दूसरा इंटरप्टेड, दोनों में प्लेन भी है मैट्रिक्स भी। तो ये तो बात हो गई प्रिपेयर की टाइप्स ऑफ सूचरिंग। अब फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले, जो एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सूचर मटेरियल। हम देखेंगे दो तरह का सूचर मटेरियल यूज करेंगे, एक में लिखा है एब्जॉर्बेबल, एक लिखा है नॉन एब्जॉर्बेबल। पहले चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, एब्जॉर्बेबल जो है यहां लिखा है ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। एब्जॉर्बेबल का मतलब वो सूचर मटेरियल जो आपके बॉडी के द्वारा ब्रोकन डाउन होता है। कैसे, आपकी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइमिक एक्टिविटी या हाइड्रोलाइसिस, और एंजाइमिक में आपको बताना चाहूंगा प्रोटियोलाइटिक, एंजाइमिक में आपको बताना चाहूंगा प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है, मेनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल यदि पेशेंट को स्ट्रक्ट नहीं किया तो यूट्रस को रिमूव किया, या फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को आपने एलएससीएस का लोअर सीजर, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन यूट्रस को ओपन किया है, तो यूट्रस के लेयर को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा सूचर यूज करेंगे, एब्जॉर्बेबल। कौन सा यूज करेंगे, एब्जॉर्बेबल। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब होता है वो सूचर मटेरियल जो आपके बॉडी की एंजाइमिक
द्वारा, एंजाइमिक रिएक्शन के द्वारा, या फिर आपके बॉडी के हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये सूचक मटेरियल क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ सूचक मटेरियल को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब, सिंपल वे, ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। दूसरी हम बात करें नॉन एब्जॉर्बल, नॉन एब्जॉर्बल, नॉन एब्जॉर्बल सिंपल मीनिंग नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। और नॉन एब्जॉर्बल जो है हम ज्यादातर आउटसाइड, ये मैंने ये बात करें एब्जॉर्बल का, ये इनसाइड, इनसाइड जो ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में वहां पर कॉमनली यूज करेंगे। और नॉन एब्जॉर्बल जो है इसको हम बॉडी के आउटसाइड, आउटसाइड भी फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो एब्डोमेन को वापस कवर करने में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई सर्जरी हुआ है जो बाहर हम सूचन करते हैं वो नॉन एब्जॉर्बल होता है। नॉन एब्जॉर्बल सूचन को रिमूव करना पड़ता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन से हम रिमूव करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो नॉन एब्जॉर्बल का मतलब नॉट ब्रोकन डाउन द बॉडी, एब्जॉर्बल का मतलब ब्रोकन डाउन द बॉडी। और बॉडी में ब्रोकन डाउन दो एक्टिविटी के द्वारा होता है, एक एंजाइमिक रिएक्शन है एंजाइमिक एक्टिविटी के द्वारा, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो दो तरह का मेनली सूचर मटेरियल होता है। अब हम फर्दर देखते हैं कि एब्जॉर्बल सूचर कौन कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन कौन से होते हैं, लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। पहले हम बात करें एब्जॉर्बल, क्लियरली मैंने पुट किया ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। और बॉडी के द्वारा जो ब्रोकन डाउन होता है दो प्रोसेस याद रखना, एक तो मैंने बताया था एंजाइमिक एक्टिविटी और दूसरा मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ये दो प्रोसेस हैं जिसके वजह से आपका बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में किए गए सूचक क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब फर्दर इसमें भी दो तरह, एक नेचुरल होगा एक सिंथेटिक होगा। एब्जॉर्बल भी फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, नॉन एब्जॉर्बल भी फर्दर में दो में डिवाइड करते हैं। यदि हम एब्जॉर्बल की बात करें तो नेचुरल सूचक, और याद रखना माय डियर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस, एब्जॉर्बल में नेचुरल पे क्वेश्चन परमानेंट मैं कहता हूं हर एग्जाम में आता है, जैसे कैचगट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। क्वेश्चन आया कैचगट किसका एग्जाम्पल है तो आप वहां से लिखना नेचुरल, और नेचुरल किसका, एब्जॉर्बल किसका, नेचुरल एब्जॉर्बल। कैटकट किसका बना होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कैटकट मेटाफॉर किसका बना होता है, याद रखना यार गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, कैट से आप बिल्ली मत समझते, कैटकट जो है डेफिनेटली इंटेस्टाइन का बना होता है क्योंकि नेचुरल है। और ये सब म्यूकोसा ऑफ शीप इंटेस्टाइन, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। देखिए यार इंटेस्टाइन में चार लेयर पड़ते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा, उसके बाद वाली लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद वाली लेयर को बोलते हैं मस्कुलेरियस, मस्कुलेरियस लेयर, और सबसे बाद वाली को बोलते हैं सीरोसा, सीरोसा। तो सीरोसा सबसे बाहर है और म्यूकोसा सबसे अंदर है, ये चार लेयर होती है इंटेस्टाइन, कितनी लेयर होती है, चार, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरियस और सीरोसा, सीरोसा बाहर म्यूकोसा अंदर। अब इसमें जो सब म्यूकोसा है इस सब म्यूकोसा लेयर किसकी है, शीप के इंटेस्टाइन। क्वेश्चन पूछिए कैटकट कंसिस्ट ऑफ, कैटकट मेटाफॉर ऑफ, सीधे लिखना शीप इंटेस्टाइन, याद रखना ये आने वाले एग्जाम में फिर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सूचक का सबसे मोस्ट कॉमन एमसीक्यू कि कैटकट किसका बना होता है, शीप इंटेस्टाइन, शीप इंटेस्टाइन की कौन सी लेयर का बना होता है, सब म्यूकोसा, और ये कौन सा सूचक है, नेचुरल, किसका नेचुरल है, एब्जॉर्बर, किसका नेचुरल है, एब्जॉर्बर। अब ये डियर कैटगट जो है फर्दर टू टाइप्स में देखते हैं, कैटगट में भी दो तरह के, प्लेन कट भी बोलते हैं, क्रोमिक कट बोलते हैं, जैसे पहला क्या प्लेन कट और दूसरा है क्रोमिक कट। आपको प्लेन और क्रोमिक कट में देखा जाए तो कॉमनली हम किसको यूज करते हैं, प्लेन कट, क्रोमिक में फर्दर केमिकल सब्सटेंस को क्या करके बनाया जाता है। प्लेन कट जो है
ये 5 to 10 days के बाद remove किया जा सकता है, और क्रोमिकट जो है वो 90 days। सिंपल मिनी माय डियर, एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर को देखा जाए, एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर में नेचुरल जो है वो नॉर्मली 5 से 10 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितने डे का है? 90 डे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ड्यूरेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैटगट जो है कितने दिन में एब्जॉर्ब होता है, क्रोमिकट कितने दिन में एब्जॉर्ब होता है, कैटगट 5 to 10। इवन ये भी पूछा जाए कि एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर का ड्यूरेशन, सीधा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको क्या लिखना है? 5 to 10। मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखना है? 90। तो प्लेन कट और क्रोमिकट दोनों किसके एग्जाम्पल है? कैटगट। कैटगट कौन सा है? नेचुरल। किसका नेचुरल है? एब्जॉर्बल। दैट्स गेटिंग। उसके बाद नेचुरल के बाद दूसरा टाइप आता है सिंथेटिक। देखिए डियर, सिंथेटिकल जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग सब्सटेंस का मिलावट है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके भी बनाया जाता है, और सिंथेटिकली जो है वो मैन मेड नहीं होता। और सिंथेटिकल में बेस्ट मैंने दो एग्जाम्पल पुट किया है, एक में लिखा है पॉलीगैलेक्टिन, उसका लिखा है 910। पॉलीगैलेक्टिन का बेस्ट एग्जाम्पल है वाइकरिन, बहुत बार एग्जाम में आता क्वेश्चन वाइकरिन कौन सा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है? अब्जॉर्बर। अब्जॉर्बर में कौन सा है? सिंथेटिकल। कौन सा है? सिंथेटिकल। तो पॉलीगैलेक्टिन 910 वाइकरिन, ये कितने दिन में एब्जॉर्ब होता है? 2 वीक में। लगाने के अगले 2 वीक के बाद ये स्ट्रक्चर अपने आप आपकी बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली एम्स ने पूछा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एग्जाम आकर टैक्स ऑफ 6 मंथ, कब एब्जॉर्ब होता है? 6 मंथ। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्सॉन, मैंने आपको किया हुआ है, और ये लगभग 6 मंथ जाके एब्जॉर्ब होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको किया है, पॉलीगैलेक्टिन और पॉलीग्लाइकोलिक, वाइकरिन और डेक्सॉन, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक स्ट्रक्चर। सिंथेटिक कौन सा? एब्जॉर्ब। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, कैटगट बहुत इंपॉर्टेंट है, शीप इंटेस्टाइन का बना होता है, और आपको क्रोमिकट का ड्यूरेशन पूछे तो 90 डेज। माय डियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर। एब्जॉर्बल में भी फर्दर दो हमने देखा, एक नेचुरल होता है, दूसरा सिंथेटिक होता है। हम फर्दर चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स की ऑफ नॉन एब्जॉर्बल, नॉट ब्रोकन डाउन बाय योर बॉडी। और नॉन एब्जॉर्बल के लिए भी नेचुरल की बात करते हैं, एग्जांपल सिल्क। सिल्क देखिए किसका बना हुआ? सिल्क मेड अप ऑफ सलाइवा ऑफ ककून्स। देखिए ककून्स जो है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, और ककून्स के सलाइवा से ये स्पेसिफिक जो सूचर बदल से बोलते हैं सिल्क, क्या बोलते हैं? सिल्क। ये नेचुरल है, नॉन नेचुरल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिल्क मटेरियल कंसिस्ट ऑफ विच सब्सटेंस, तो आपको आंसर क्या लिखना? सलाइवा ऑफ कुकुन्स, सलाइवा ऑफ कुकुन्स। ओके फाइन। इसके अलावा नाइलॉन, जैसे नाइलॉन का यूज हम स्किन वुंड को क्लोज करने में कॉमनली करते हैं, नाइलॉन सिल्क ये सभी किस्म आ रहे हैं नॉन एब्जॉर्बल, किस्म आ रहे हैं नॉन एब्जॉर्बल। इसके अलावा हम लोग वायर यूज कर सकते हैं, नाम से पता चला था दैट काइंड ऑफ थिंग्स, वायर जो है डेफिनेटली नॉन एब्जॉर्बल है। उसके अलावा डेक्रॉन, डेक्रॉन भी आपको दिख रहा होगा, ये भी नॉन एब्जॉर्बल है। और एक साथ में और ऐड करना चाहूंगा स्टेपल, आजकल जो है स्टेपल में यूज करते हैं, स्टेपल ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बल, स्टेपल ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बल। तो नॉन एब्जॉर्बल में तो सिल्क है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ किसका बना होता पूछ सकते हैं, नाइलॉन इट विल बिकमिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वायर डेक्रॉन, ये सारे जो एग्जांपल है नॉन एब्जॉर्बल। एग्जाम में पर्टिकुलर सूचक का नाम लिखा होगा और आपसे पूछेंगे ये कौन सा टाइप्स ऑफ सूचक मटेरियल है, तो आपको तुरंत फाइंड आउट करना है। मैंने आपको एब्जॉर्बल में बताया था, नॉन एब्जॉर्बल में भी बताया था। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग और चलते हैं अपन डिटेल्स। सूचक करने के लिए जो आर्टिकल्स है उसमें हम लोग कॉमनली निडल्स को यूज करते हैं। अब बात क्या आती है कि निडल्स को जब देखते हैं
तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सूचक किस तरफ से कनेक्टेड होता है, सूचरिंग के लिए निडल को इंसर्ट कौन सा पार्ट है। मैंने एक निडल के एग्जांपल लिया है, निडल पॉइंट। देखिए डियर, ये वो पॉइंट है जो किसमें पुट करते हैं, हम स्किन में पुट करते हैं, टिश्यू में पुट करते हैं, सेल्स में पुट करते हैं, दैट इज अ निडल पॉइंट। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा श्वास एंड, ये एग्जामिनेशन श्वास एंड कौन सा है जो सूचर मटेरियल है, ये तो दिख रहा है सूचर मटेरियल, या सिंपल बोलते हैं सूचर, जो सूचरी होता है, जो धागा होता है, वो जिस तरफ से निडल में इंसर्ट होता है उसको कौन सा एंड बोलते हैं, श्वास एंड। एग्जाम में पूछा हुआ है उसे क्यों है कि जब पेशेंट को सूचरिंग करते समय निडल में जहां सूचर एंटर करते हैं उस एंड को क्या बोलते हैं, स्वाद बोल सकते हैं, श्वास बोल सकते हैं, श्वास एंड। और जो निडल का वो पॉइंट स्किन में इंसर्ट करते हैं उसको निडल पॉइंट बोलते हैं, और बीच वाले को निडल बॉडी बोल सकते हैं, या अपन साफ्ट, साफ्ट के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोन में भी पढ़ते हैं, बोन का बीच वाला हिस्सा क्या होता है, साफ्ट। तो ये तो बात हो गई निडल के पार्ट की, यहाँ पर आपको सूचर एंड का पूछेंगे, जहां पर सूचर एंड का मतलब सूचर मटेरियल, जहां से सूचर मटेरियल हम पुट करते हैं वो एंड कौन कौन सा होगा, श्वास एंड। क्वेश्चन क्या बनता है, श्वास एंड कनेक्ट निडल टू द सूचर, कनेक्ट निडल टू द सूचर, यही मैं पुट करता है, निडल पॉइंट कनेक्ट टू द स्किन टिश्यू और सेल, दैट्स गेटिंग। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, क्वेश्चन आता है कि सूचर निडल जो है उसको निडल होल्डर में कितना डिग्री एंगल पे प्लेस किया जाता है, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है। जब भी हम लोग पेशेंट को सूचर करते हैं, सूचरी करते हैं, तो सूचरी करते समय जब हम निडल होल्डर में निडल को होल्ड करते हैं तो डिग्री ऑफ एंगल क्या होगा, 90। जैसे अपन नहीं पढ़ते हैं इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री एंगल पे लगाते हैं, 90, कितना डिग्री एंगल पे, 90। एक हम पढ़ते हैं हाई फाउलर, हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन की बात करें तो कितना डिग्री एंगल पे होता है, 82-90। तो माय डियर, जब भी पेशेंट को सूचरिंग की जाएगी तो सूचर करते समय निडिल होल्डर में जब निडिल को होल्ड करोगे एट द 90 डिग्री, एट द 90 डिग्री। ओके फाइन, वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ निडिल। देखिए हम लोग जब पेशेंट को सूचरिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडिल आती है, यहां कॉमनली 3 से 4 टाइप्स में डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट है 2 टाइप्स जो एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि निडिल जो है किसकी बनी हुई, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे आर्टिकल है सर्जिकल में पढ़ते हैं, सर्जरी में पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल है दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसके बना होता स्टेनलेस स्टील, और इन निडिल के बारे में पूछा जाए कि सूचर निडिल किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर क्या है, स्टेनलेस स्टील। ओके फाइन, यहां पर लिखा स्ट्रेट निडिल। देखिए डियर, मैं एक कर्व पढ़ाऊंगा दूसरा स्ट्रेट पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट का मतलब लुक्स लाइक दैट, यहां पर होगा तो श्वास एंड होगा, ये जो होगा निडिल एंड होगा, और ये बीच वाला जो क्या होगा, साफ होगा, ये जो स्ट्रेट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट निडिल। कहां यूज करेंगे, एपिडर्मिस और डर्मिस, याद रखना विदाउट निडिल होल्डर। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हम लोग घर में कपड़ों की सिलाई करते हैं, कपड़ों की सिलाई करने के लिए फटे कपड़ों की सिलाई के लिए निडल सुई यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके की निडल होती है, इस निडल को होल्ड करते हैं हम लोग फिंगर के थ्रू, या निडल होल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, और ये कोई लार्ज बॉडी पार्ट ओपन है उसको यदि कवर करना है तो थोड़ा टफ होता है निडल होल्डर से, स्किन को पकड़ा और फटाफट हमने क्या कर दिया, स्टिचेस कर दिया, इस तरह की निडल होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एपिडर्मिस और डर्मिस। दूसरा मैंने कहा कर्व निडल, देखिए मैंने यहां पर एक इमेज भी दिया है, इस तरह की जो निडल होती है दैट इज अ कर्व निडल। हम लोग जब भी देखा होगा हॉस्पिटल में कर्व निडल का यूज ज्यादा करते हैं, और कर्व निडल जो है डीप वुंड में यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है,
ये आपकी स्टेट, स्टेट को हम इजिली यूज कर सकते हैं, और वही आपका डीप वुंड है तो हम स्टेट में यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे लाइक दैट। तो कर्व निडल जो है इसे डीप वुंड में यूज कर सकते हैं पेशेंट को, और इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, निडल होल्डर, किसकी जरूरत पड़ेगी, निडल होल्डर। इसके अलावा ट्रॉमेटिक आता है, नॉन ट्रॉमेटिक आता है, ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक भी निडल आती है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का ट्रॉमा है उस पर हम यूज करते हैं। पर याद रखना माय डियर्स, इंपॉर्टेंट हो यहां पर स्ट्रेट और कर्व, हम कौन सी यूज करते हैं, कर्व, कौन सी यूज करते हैं, कर्व। ओके फाइन। इसके अलावा अब आती है साइज ऑफ निडल, कि कौन से साइज की निडल आपके बॉडी पार्ट पे, कौन से बॉडी पार्ट पे यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां लिखा थ्रेड इज साइज बाय द नंबर, यदि लार्जर नंबर आपको मिले तो माय डियर स्मॉलर मटेरियल होगा, जैसे 7-0 आपको मिले आर स्मॉलर देन द 3-0। मतलब क्या है, हम लोग कैलकुला भी पढ़ते हैं, नंबर जैसे जैसे बढ़ते साइज क्या होने लगे छोटी, कैलकुलम हम 24-26 पढ़ते हैं, सबसे छोटा 14 देखते बड़ा होता। वही यदि हम बात करें सूचक निडल का, तो यदि 7-0 की बात है 7-0-3-0 से स्मॉलर होगा, यहां मैं देखू 4-0-3-0 से स्मॉलर होगा, इवन 1-0 जो होगा यहां सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से हम निडल की साइज देखते हैं। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे कि फेस पे स्विच नहीं करना है तो निडल की साइज क्या होनी चाहिए, तो तुरंत लिखना है 6-0 और 7-0, मतलब ये सबसे छोटी निडल होगी। हर कोई चाहता है फेस पे ऐसी इंजरी होगी, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे और पहुंचते ही पहला क्वेश्चन क्या होगा डॉक्टर, सर निशान नहीं आना चाहिए क्योंकि इस फेस के लिए तो क्या क्या नहीं करते रहो, है ना, निशान नहीं आना चाहिए। दूसरा एक्सट्रीमिटीज में अपर हो सकता है लोअर हो सकता है, 4-0 से 5-0 के बीच में हम कॉमनली यूज करते हैं। बैक स्कैल्प, क्योंकि स्कैल्प स्किन हार्ड होती है, बैक स्किन थोड़ी हार्ड होती है, 2-0 से 4-0 यूज करते हैं। ये 3 स्पेसिफिकेशन में फेस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आगे फेस के सूचक रिमूवल के बारे में भी बताऊंगा। 6-0 to 7-0 फॉर फेस, उससे थोड़ा कम आएंगे एक्सट्रीमिटीज में 4-0 से 5-0, उससे और देखे रहे बैक और स्कैल्प में 2-0 से 4-0। अब आपसे पूछेंगे हाथ में सूचरिंग करना है तो साइज क्या होगा, दैट इज 4-0 से 5-0। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है सूचर लेंथ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एमसीक्यू है। नॉर्मली जो निडल होता है, निडल से लेके जो पीछे सूचर होता है, उस सूचर की लंबाई पूछ जाता है, और सीधा आपका आंसर क्या लिखना है 15 इंच, आपका आंसर क्या लिखना है 15 इंच। देख लिया, मैं बताना चाहूंगा एक ये क्वेश्चन भी आता है, लेंथ ऑफ राइज ट्यूब, तो आपका आंसर इतना होता है 125 सेंटीमीटर। राइस ट्यूब जो है उसकी लंबाई, राइस ट्यूब की लंबाई 125 सेंटीमीटर होता है, ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको सीधा पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ सूचर, तो आपका आंसर क्या रहेगा 15 इंच। सूचर की लंबाई जो है वो लगभग 15 इंच होता है, 15 इंच आपके बॉडी में सूचरिंग करने के लिए सिंगल सूचर यूज करते हैं, फिर दूसरा फिर तीसरा लाइक दैट। और लेंथ ऑफ राइस ट्यूब की पूछी जाए, आपको राइस ट्यूब में भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आपको आंसर क्या लिखना है 125 सेंटीमीटर। ओके फाइन। अब आता है आर्टिकल, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि सूचर पे बनने वाले सारे क्वेश्चन इसी कंटेंट में आपको डिलीवर करूं। मैंने यहां पर एक डिवाइस पुट किया हुआ है, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इस डिवाइस को क्या देखते हैं, इसका एक टिप, ये टिप देखना जरूरी है, क्योंकि निडल होल्डर का टिप और आर्टरी फॉर्सेप्स का टिप लिटिल बिट वेरिएशन होता है, बाकी दोनों को देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, दैट पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टिंग कि ये निडल होल्डर है, इसको आप देखो किस तरीके से दिखेगा, बीच में इस तरह की लाइनिंग होगी, इस तरीके का आपको दिखेगा, और इसके बीच में आप इसको होल्ड करेंगे निडल। दैट मींस माय डियर द डिवाइस बीइंग एज अ निडल होल्डर, क्या बोलेंगे हम इसको, निडल होल्डर। एग्जाम में इमेज दिया होगा
और आपसे पूछें ये कौन सा आर्टिकल है, तो तुरंत सबसे पहले क्या देखना है, इस डिवाइस का टिप देखना है। और टिप को जब देखो ब्रॉड होगा, कैसा होगा, ब्रॉड होगा। टिप आप देखोगे ब्रॉड होगा, दैट विल बी इंडिकेटिव। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी पेशेंट को सूचरिंग करते, देखिए डियर इंटरनल ऑर्गन में सूचरिंग के लिए अपन को पर्टिकुलर एनेस्थेसिया तो नहीं देते, जो पेशेंट स्पाइनल दिया है जनरल दिया उसी में हम करते हैं। बट आउटसाइड बॉडी के पार्ट में जहां पर भी सूचरिंग की जरूरत पड़ती है तो कॉमन एक एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट। और ये एनेस्थेटिक एजेंट क्या होगा, ज़ाइलोकिन। और ज़ाइलोकिन कितना परसेंट यूज करते हैं, 2%। और रूट कौन सा, इंट्राडर्मल। और याद रखना इंट्राडर्मल कितना डिग्री एंगल पे देते हैं, 15 डिग्री। इंट्राडर्मल जब भी हम देते हैं 15 डिग्री, जैसे एएसटी करना हो पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन देना हो, इवन माय डियर पेशेंट को दैट्स मोंटॉक्स टेस्ट करना हो या ट्यूबरकुलिन टेस्ट करना हो, इन एएसटी में बीसीजी में मोंटॉक्स टेस्ट में सब में कौन सा वो प्रीफर करते हैं, इंट्राडर्मल। कौन सा करते हैं, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब जस्ट अंडर द एपिडर्मिस। इंट्राडर्मल का मीनिंग होगा इनटू डर्मिस, इनटू डर्मिस। तो कौन सा सबसे यूज करेंगे, ज़ाइलोकिन 2%। कब, जब पेशेंट को एक्सटर्नल एक्सपीरियंस में आपको सूचरिंग करना है तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया का बेस्ट एग्जांपल इसको बोल सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल का मतलब पर्टिकुलर एरिया, लोकल का मतलब पर्टिकुलर एरिया। ओके भाई, तो ये बात होगी आर्टिकल सी। अब आता है कि बॉडी के कौन से पार्ट से सूचर को कब रिमूव करना होता है। यहां पर भी एग्जाम पर्पज ऑफ यू एमसीक्यू बनता है, यहां पर भी एग्जाम पर्पज ऑफ यू एमसीक्यू बनता है। मैं अलग अलग बॉडी पार्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। फेस, मैंने बताया था फेस में कौन सा सूचरिंग है, कंटीन्यूअस फेस की भी सूचरिंग है तो 2 to 5 days के बाद रिमूव करवाना है। स्कैल्प की भी सूचरिंग है 6 to 8 days, 6 to 8 days के बाद रिमूव करवाना है। बैक में भी सूचरिंग किया है 12 to 14 days, देखिए क्लियर 12 से 14 दिन, वैसे मैक्सिमम 14 देखते हैं अपन। हैंड की बात करें 8 to 10 days, फिंगर टिप्स की बात करें 10 to 12 days, और दिस इज ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। चेस्ट एब्डोमेन, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो लिखना 7 to 10 days, 7 to 10 days ये एग्जाम का क्वेश्चन कि फेस पे सूचर को कितने टाइम बाद लेना चाहिए, 2 to 5 days के बाद। दूसरा क्वेश्चन एब्डोमेन से सूचर को कितना टाइम बाद रिमूव करना चाहिए, 7 से 10 दिन। वही स्टेपलर आएगा मैं पढ़ाऊंगा 7 से 14 दिन। कभी कभी एब्डोमेन की जगह चेस्ट लिख देते, तो ये पूरा ट्रंक में फ्रंट और बैक आप बर्न में पढ़ते हैं। चेस्ट की बात करें एब्डोमेन की बात करें टाइम कितना लगता है, 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। बाकी फ्रूट की बात करें 10 से 14 दिन, और आर्म्स और लेग की बात करें तो 10 से 12 दिन। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं एब्डोमेन, दूसरी इंपॉर्टेंट है फिक्स, ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में सूचर को रिमूव करने का ड्यूरेशन होता है। ओके फाइन, आजकल एक और क्वेश्चन वायरल होता है एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से देखा जाए, मैंने यहां इमेज पुट की हुई है और ऊपर लिखा स्टेपल। एक तो स्टेपल जो है ये नॉन एब्जॉर्बल सूचक का एग्जाम्पल है। स्टेपल जो है कॉमनली आजकल यूज होने वाला सूचरिंग का टेक्निक है। यहां पर मैंने इमेज दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी स्किन है, स्किन को पकड़ के होल्ड करना है और फटाफट क्या कर देना है, सूचरिंग कर देना है। तो स्टेपल का क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्टेपल जो है यदि किसी पेशेंट को सूचरिंग किया है तो यूजुअली कितने दिनों के बाद में रिमूव करते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू है, 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन बार बार पूछा जा सकता है, पूछा गया हुआ है। स्टेपल को कितने दिन बाद रिमूव किया जाता है, 7 से 14 दिन, 7 to 14 days के बाद स्टेपल को रिमूव किया जाता है। इस तरह की डिवाइस आती है स्टेपल, ये तरीका होता है सूचरिंग करने का, आपको स्किन को होल्ड करना होता है और फटाफट स्टेपल कर दिया जाता है। ओके फाइन माय डियर,
और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर सूचक दे नसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से क्यों पूछे जा सकते। एक तो ये क्वेश्चन आता है सूचरी, मैंने साथ में मेंशन किया है कंसर्न, प्री ऑपरेटिव केयर में आता है कंसर्न, प्री ऑपरेटिव केयर में आएगा, प्री ऑपरेटिव केयर में सूचरी और कंसर्न ये दोनों ही किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर्जन। देखिए यह क्वेश्चन आता है कि कंसर्न लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हम भाग्य क्या लेते हैं? नर्सिंग ऑफिसर, नेवर, कभी भी नहीं होती। कंसर्न लेना सर्जन का काम है। मैं आगे बढ़ाऊंगा कंसर्न कितने टाइप्स के कंसर्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सूचर, हम लोग बहुत बार देखा वास्तविक में हम खुद ही सूचरिंग कर देते हैं, सूचरिंग करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर्जन की। दो एमसीक्यू बनते हैं, सर्जन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न भी है और सूचरिंग भी है। एक और क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि जब भी पेशेंट को सूचर को रिमूव किया जाता है तो नर्स का काम है उन स्टिचेस को काउंट करना है। क्योंकि क्या होता है जब पेशेंट की सर्जरी होता है और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद लिखा जाता है कि पेशेंट को 25 सूचरिंग किया, 25 सूचरिंग किया, और जब आपने रिमूव किया उस समय भी आपने 25 को रिमूव किया, इसका मतलब पूरे निकल गए। और यदि आपने काउंट करे आपको 24 मिला मगर एक सूचर अभी भी किसी ने, तो नीड टू बी आइडेंटिफाइड, दिस इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नर्स का काम काउंट ऑल स्टिचेस एट द टाइम ऑफ रिमूविंग। जैसे ये सूचर रिमूव करने का काम भी सर्जन कर, बट आप यदि रिमूव करते हो तो शुड बी काउंटिंग, सर्जन को भी काउंट करना। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सूचरिंग कौन करता है सर्जन, और एक सूचरिंग रिमूव करते समय पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद जब आप रिमूव करते हैं तो सूचर को काउंट जरूर करिएगा। तो ये अपना टॉपिक था सूचर। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया, कंटेंट सफिशिएंट लगा, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से इफेक्टिव लगा, तो शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिलीवर करिएगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।